हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है मेरे लिए और आपके लिए भी है शायद, क्योंकि जो लोगों को इनवेट है अपने गूगल एडसेंस का जो पिन है उसका, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। थोड़ा सा बताना चाहूँगा अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरा एक्सपीरियंस गूगल एडसेंस पिन को मंगवाने का, इसको ऑर्डर करने का, और किस तरह से ये मेरे पास आया। तो एक स्टोरी की तरह मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक काफ़ी अमेजिंग सी स्टोरी बनी है मेरी इस एडसेंस पिन को मंगाने की। तो कुछ इस तरह का होता अपना ये एडसेंस पिन, इसमें नज़र नहीं आएगा ठीक से, अभी लाइटिंग वगैरह हो रही है ठीक है। ये अपने पास आ गया है, बहुत बड़ी बात है। थोड़ी देर पहले ही मुझे ये रिसीव हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। अभी कुछ लोगों को डाउट होगा कि इसको ऑर्डर कैसे किया जाता है, किन लोगों को ये मिलता है, तो आपको कुछ जो है स्टेजेस पार करनी होंगी इसको पाने के लिए। जैसे कि आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए, प्लस होने चाहिए, 4000 जो वो चवर है वो कंप्लीट होना चाहिए, और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाना चाहिए, और आपके चैनल पे एड्स वगैरह शुरू हो जाने चाहिए जिससे आपकी जो इनकम है वो जनरेट होनी शुरू हो जाए। और जब आपका जो रेवेन्यू जनरेट होते होते $10 के को पार कर जाएगा, $10 आप कंप्लीट कर लोगे, तो आपका जो एडसेंस का जो अकाउंट है वहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कि अब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको चैनल मोनेटाइज होना चाहिए और उस पर कम से कम $10 आपके कलेक्ट हो जाने चाहिए ठीक है। उसके बाद ही आपको इसको ऑर्डर करने का, इसके लिए अप्लाई करने का आपको ऑप्शन मिलता है। तो गाइस, इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। सबसे पहले आप जो है क्रोम ब्राउज़र में जाके गूगल एडसेंस में लॉगिन करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है अपना जो यूट्यूब का जो क्रिएटर स्टूडियो ऐप होता है, साइट होती है, आप उसमें जा सकते हैं क्रोम पे ही, और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा आप एड्रेस वेरिफिकेशन का, तो वहाँ जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में जाना है तो मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो तैयार कर लूँगा जिसमें मैं आपको बता दूँगा कि आपको किस तरह से इसको अप्लाई करना है ओके। तो अभी आगे बढ़ते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले ये चीज़ें होती है, यहाँ से हमें इसको हटा देना, रिमूव कर लेना है, दो साइड से हमें रिमूव करनी है ओके, ठीक से कर लेना ओके। इसको ओपन करते हैं तो एक साइड ऐसे होती है और दूसरी साइड लिखा होता है अपना पिन। सो गाइस, यही पिन हमारा जो एड्रेस है वेरिफिकेशन कंप्लीट करके देगा, यही फिल करना है अपने एडसेंस के पेमेंट्स ऑप्शन में जाकर ठीक है। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने मोबाइल स्क्रीन पे, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया कि आप इसको कैसे फिल कर सकते हैं और कैसे सबमिट करेंगे ओके ओके गाइस। तो अभी हम आ चुके अपने मोबाइल स्क्रीन पर, तो सबसे पहले अभी हमें अपना यूट्यूब खोल लेना है या फिर क्रोम ब्राउज़र में अपना एडसेंस अकाउंट ओपन कर लेना है। तो मैं ओपन करने वाला हूँ सीधा यूट्यूब के YT स्टूडियो पे ठीक है। ये अपना अकाउंट जो इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देता है, तो मुझे अपना जाना पड़ेगा मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पर, नीचे ऐसे नज़र आ रहा होगा आपको डॉलर का निशान, तो इस पर आपको टैप करना है, यहाँ पे आ जाना है ओके। इधर आपको राइट साइड में नज़र आ रहा होगा कंप्लीट इन एडसेंस, तो आपको यहाँ पे आना है, तो मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे सिर्फ पिन डालना है, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ चीज़ पहले से कंप्लीट कर रखी है ओके। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में पेज। यहाँ पे अपना एडसेंस अकाउंट खुल चुका है गाइज। अगर आप डायरेक्ट क्रोम से एडसेंस अकाउंट में आओगे तो सीधा आप इस पेज पे आओगे, यहाँ से हमें ये जो 3 लाइंस हैं लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर पे, यहाँ पे टैप करना होगा, पेमेंट्स में जाना होगा हमें, और यहाँ पे वेरिफिकेशन चेक में हमें टैप करना होगा ओके। तो गाइस यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे दिखाई दे रहा होगा एंटर द पिन वी मेल्ड टू यू बिलिंग एड्रेस, तो अपना जो पिन है एडसेंस पिन अपने हाथ में है, तो इसको हम इसमें फिल कर लेते हैं, एक बार सबमिट करते हैं इसको 88 5 6 1 4 सबमिट ओके। एड्रेस वेरिफिकेशन हो चुकी है, कंप्लीट हो चुका है सभी, मुझे लगता है कि सभी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, और योर पेमेंट आर ऑन होल्ड बिकॉज यू नीड टू वेरिफिकेशन एड्रेस, ये भी हो चुका है। तो एक्शन लेके देखते हैं एक्शन में क्या दिखाता है। कुछ नहीं हो रहा यहाँ से, बस ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका अपना, एक यहाँ पे बैठ जाता है, पेमेंट इंफॉर्मेशन में आते हैं
और गाइज बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि अपनी जो फर्स्ट पेमेंट होगी वो कब आएगी। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि फर्स्ट पेमेंट मेरी कब आएगी यूट्यूब से। तो गाइज सीधा सीधा ये है, जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है, जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे, उस दिन अपनी फर्स्ट पेमेंट अपने पास आ जाएगी, वो रिसीव हो जाएगी। तो पूरा सपोर्ट कीजिए, जल्द से जल्द ये ब्लू लाइन जो है इसे को कंप्लीट कराइए, वीडियोज़ देखिए और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो आपको वो वीडियो भी जल्द ही देखने को मिलेगी जब अपनी फर्स्ट पेमेंट आएगी। ओके तो चलते हैं अभी वापस अपनी। सो गाइस जब भी आप एडसेंस पिन्स अप्लाई करने के लिए जाएं, तो उससे पहले आपको चेकआउट कर लेना अपना एड्रेस, आपका एड्रेस वहाँ पे सही होना चाहिए। अगर आपका एड्रेस वहाँ पे गलत है या फिर आपको लग रहा है कि वहाँ पे एडसेंस पिन आपको नहीं भिजवाना, तो आपको वहाँ पे अपडेट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। पहले आप अपना जो है ना एड्रेस वगैरह वहाँ पे अपडेट कर लें, ठीक है, क्योंकि एड्रेस वगैरह जो है शुरुआत में शायद आपने सही नहीं डाला हो या फिर कुछ गड़बड़ हो सकती है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा मेरे साथ कैसे हुआ और मेरा एड्रेस गलत होते हुए भी मेरा जो एडसेंस पिन है मेरे पास कैसे आया। गलत नहीं था, उसमें कुछ चीज़ मिसिंग थी, पूरा एड्रेस नहीं डाला हुआ था। तो इसमें मेरा लोकेशन पूरी डली हुई थी लेकिन हाउस नंबर नहीं था, फ़ोन नंबर मेरा नहीं था। तो अब क्या था कि मेरे लोकल एरिया में तो ये आ जाता है एडसेंस का पिन, लेकिन जो डिलीवरी करते जो कुरियर वाले थे वो मेरे से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे थे। मेरा हाउस नंबर नहीं था इसमें, मेरा फ़ोन नंबर नहीं था, तो करे क्या। तो जैसे मैंने चेकआउट किया कि हाँ भाई ये तो गड़बड़ हो गई मुझसे, तो मैंने पहले ही एक कदम पहले ही एक स्टेप अपनी तरफ से ले लिया कि मतलब आगे चल के अगर पिन आए तो वो इधर उधर वापस ना चला जाए। तो इसलिए मैंने क्या किया, अपने आसपास का जो डाकघर था, पोस्ट ऑफिस था, उसको सर्च किया कि जो डाक वगैरह आते हैं सबसे पहले कहाँ आते हैं, ठीक है। वो मैंने सर्च किया तो भाई मुझे एड्रेस मिल गया कि कहाँ पे कुरियर वगैरह अपने लोकल एरिया में आते हैं। तो मैं वहाँ पे उनके घर गया, मुझे वो वहाँ पे नहीं मिले। घर वालों से बात की इस बारे में, तो उन्होंने उनका मुझे नंबर दे दिया। मैंने फ़ोन पे बात की तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरा एक कुरियर आएगा गूगल से, तो उस पर मेरा एड्रेस जो है पूरी तरह से प्रॉपर नहीं लिखा हुआ है, हाउस नंबर नहीं है और मेरा फ़ोन नंबर नहीं है। अगर इस तरह का कोई कुरियर आपके पास आए तो आप मुझे बता देना, मेरा फ़ोन नंबर ये रहा, पूरा एड्रेस मैंने उनको बता दिया व्हाट्सअप पे। और उन्होंने मुझसे पूछा कि किस टाइप का आपका कुरियर वगैरह आएगा, तो फिर मैंने इंटरनेट से एडसेंस की जो पिक होती है इस टाइप का जो कुरियर आएगा उसकी पिक ली और व्हाट्सअप पे उन्हें शेयर कर दी कि इस तरह का कुछ आएगा। मैंने उन्हें पहले इन्फॉर्म कर दिया कि इस तरह की कंडीशन बन सकती है, तो वो रेडी रहे कि हाँ अगर ऐसा कुछ नज़र आए तो वो उसे वापसी ना करें और मुझे एक बार बता दे, अगर वो वैसा ही हुआ तो मुझे कॉन्टैक्ट कर ले। और ऐसा ही हुआ। तो आज अचानक से मैं लेटा हुआ था घर पे, शांति से फ़ोन आया कि हाँ भाई तुम्हारा कोई कुरियर आया है। मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि कुरियर मेरा, मेरा एड्रेस नहीं था उसमें और मेरा फ़ोन नंबर नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम किसी के पास गए थे, उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया, वरना मैं तो इसको वापसी लेके जा रहा था। उन्होंने कट वगैरह कर रखा था कि इस पर कोई एड्रेस वगैरह नहीं है, आप उन्होंने देख सकते हैं इस पर पेन वगैरह से काफ़ी कट वगैरह है, ये वापसी जाने वाला था। लास्ट टाइम पे उन्होंने कॉल कर ली मेरा नंबर और वो मिल गया, तो वो कहते कि अगर ये नंबर नहीं मिलता तो फिर मैं इसको वापसी कर देता। तो इस तरह से की कुछ कहानी थी। आपका एड्रेस सही होना चाहिए, अगर एड्रेस सही नहीं है या फिर आपका पिन नहीं आ पा रहा आपके पास, तो आप अपने जो पोस्ट ऑफिस है, डाकघर है, आप वहाँ पर जाके एक बार मिल सकते हैं, उनसे बता सकते हैं कि इस तरह का एक कुरियर आने वाला है, उसकी पिक आप दिखा सकते हैं, तो जिससे वो आपको पहले इन्फॉर्म कर दे जब उनके पास आए कि हाँ इस तरह का कुछ आया है, आप एक बार आके चेक कर लो कि ये आपका तो नहीं है, ठीक है। तो आप एक फर्स्ट स्टेप ये ले सकते हैं जिससे आपका जो एडसेंस है आपको मिल जाए। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि अगर ये एडसेंस आया मेरे पास और यहाँ से वापसी चला गया तो मैं जाने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो, तो इसलिए मैंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी और वो चीज़ मेरे काम गई। अगर मैं पोस्ट ऑफिस नहीं जाता और वहाँ जाके पहले से ही उन्हें नहीं बताता कि इस तरह की कंडीशन बन सकती है और ये चीज़ है, तो ये आज मेरे हाथ में नहीं होता और ये वापसी चला जाता। तो इस बात की खुशी है कि हाँ थोड़ी सी मैंने पहले जो गलती थी उसको मैंने सुधार दिया। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना, ओके। और ये पिन आने के कुछ टाइम तक ही 4 मंथ्स के अंदर आपको ये फिल करना होता है अपनी साइट पे जाके, ठीक है, एडसेंस में जाके आपको ये फिल करना होगा। अगर आप 4 मंथ्स के बाद इसको फिल करने के लिए जाते हैं या फिर आपका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया जब आपने अप्लाई किया और जब आप फिल कर रहे हैं या आपको बहुत लेट रिसीव हुआ, तो उसमें आपको गड़बड़ हो सकती है। 4 मंथ से पहले आपको किसी भी कीमत पर इसको फिल करना ही होगा अप्लाई करने के बाद, ओके। तो ये आपको चेक कर लेना, अगर आपको ये रिसीव नहीं होता इस कंडीशन में आपको क्या करना है या फिर आपको नहीं मिलता, आप रिसेंड कर सकते हैं, दोबारा से मंगवा सकते हैं, लेकिन आप इसको 4 महीने के बाद ही मंगवा सकते हैं जब आपका जो साइट पे है एड्रेस वगैरह दिखाना बंद कर देगा कि हाँ अब इस एड्रेस पे पिन नहीं जाएगा, ठीक है। आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, एड्रेस वगैरह आपको फिर से कन्फर्म करना पड़ेगा,
तब ही आपको ये दोबारा रिसीव होगा। ऐसा नहीं कि कभी मिलेगा ही नहीं, मिल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत फिर से करनी होगी। सो गाइज, आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिल गई होगी, आपको पता चल गया होगा एडसेंस मीन कैसे ऑर्डर किया जाता है, कैसे इसके लिए अप्लाई किया जाता है और कैसे इसको फिल किया जाता है। ओके, अगर आपको कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा डिटेल में। अगर छोटी मोटी वीडियो बनानी पड़ी तो मैं आपके लिए वीडियो में भी आके बता दूंगा, ठीक है। और गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपनी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वॉच कीजिए, जिससे अपनी जो ब्लू लाइन है, अपनी जो पेमेंट है, फर्स्ट पेमेंट, वो जल्दी अपने पास रिसीव हो। ओके, तो थोड़े से आपके सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि जब तक पहली पेमेंट नहीं आएगी तब तक वो मज़ा नहीं है यार, ठीक है ना। तो वो वीडियो भी आपको लिए मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, जब अपनी फर्स्ट पेमेंट अपने हाथ में होगी, इस तरह से हम आपको दिखाएंगे इस तरह से। ओके, तो मिलते हैं गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्द ही, तब तक ले टाटा, बाय बाय, सी यू सोन।